नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे दूं कि इजराइल, फिलिस्तीन और ईरान वॉर में एक बहुत ही अहम अपडेट निकल कर सामने आया है। ये अहम अपडेट इजराइल के लिए आफत बनकर सामने आया है, क्योंकि इजराइल के सबसे खुफिया एजेंसी मोसाद की धरपकड़ कर ली गई है। जी हाँ, मोसाद के खुफिया एजेंसी के जो लोग हैं, उनको, जो एजेंट्स हैं, उनको पकड़ लिया गया है। कहाँ पकड़ा गया है? करंट न्यूज़, जी हाँ, करंट न्यूज़ के हवाले से खबर आ रही है कि हिजबुल्ला का कहना है कि बैरूत में हत्या का प्रयास विफल रहा। जी हाँ, बैरूत में जो हत्या करने की कोशिश थी इन जासूसों की, वो विफल रहा है और वफी सफ़ा, वो सारे जो चीज़ें हैं वो बच गई है। लेबनान 24 घंटे की रिपोर्ट कर रहा है कि सुरक्षा सेवाओं ने बैरूत में लक्षित स्थान पर एक इजरायली जासूस को गिरफ्तार कर लिया है। लेबनान ने ये जानकारी दी है कि 24 घंटे के अंदर इजरायल के एक जासूस को उन्होंने स्पाई करते हुए गिरफ्तार किया है, जिसकी तस्वीर भी सामने आई है। तस्वीरों से साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे उस जासूस को वहाँ के लोगों ने, वहाँ की सेना ने पकड़कर, धरपकड़ करते हुए गिरफ्तार किया है। वहीं दूसरी तरफ एक और अहम जानकारी इस पूरे मामले को लेकर सामने आ रही है दोस्तों। लेजिटिमेट टारगेट्स नाम का एक पेज है, उन्होंने इस पूरी खबर की जानकारी साझा करते हुए लिखा है कि अभी की बड़ी जानकारी, रूस के विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की है कि हिजबुल्ला अभी भी बरकरार और मजबूत है। जी हाँ, रूस के विदेश मंत्रालय की तरफ से ये खबर की पुष्टि की जा रही है कि हिजबुल्ला कोई कमज़ोर नहीं हुआ है। नसरुल्ला को ख़त्म करने से हिजबुल्ला पहले से ज़्यादा और ताकतवर हो गया है। इस बात की रिपोर्ट जो है रूस जो है दे रहा है, रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से ये जानकारी निकल कर सामने आई है। साथ में विदेश मंत्रालय ने भी इसकी पुष्टि की है कि हिजबुल्ला और ज़्यादा ताकतवर हो गया है। आगे आपको करंट न्यूज़ के हवाले से और भी बहुत सारी जानकारी दोस्तों इस वक्त साझा की जा रही है। वैसे सोशल मीडिया पर रूस इजराइल फिलिस्तीन वॉर को लेकर लगातार अपडेट आ रहे हैं कि क्या हो रहा है, किस तरीके की हलचल जो है वो दिखाई दे रही, क्योंकि पूरी दुनिया की नज़र इस वक्त उसी जगह पर है जहाँ पर इस युद्ध की शुरुआत हुई थी। और इस युद्ध में ना जाने कितने लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। और अब कैसे इजराइल को कमज़ोर किया जा रहा है, इसका पूरा जिम्मा चाहे लेबनान हो, हिजबुल्ला हो, ईरान हो, इन सब ने उठा लिया है। देखिए, करंट न्यूज़ के हवाले से खबर आ रही है कि हिजबुल्ला का कहना है कि बैरूत में हत्या जो है वो करने की लगातार कोशिश इजरायली सैनिकों की जा रही है, लेकिन एक के बाद एक उनके जासूस को पकड़ लिया गया है। अब देखिए, ईरान के सुप्रीम लीडर के साथ, जी हाँ, चाइना के जो नेता हैं उनके साथ भी बैठक चल रही है। इस वक्त की बड़ी जानकारी निकल कर सामने आ रही है दोस्तों, और ये खबर कौन पोस्ट कर रहा है? ब्रिक्स न्यूज़। जी हाँ, ब्रिक्स न्यूज़ कह रहा है कि चीन को बिक्री बढ़ने से ईरान का तेल निर्यात 6 साल से उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। यानी कि ईरान के सुप्रीम लीडर के साथ चाइना के नेता की बात चल रही है। वो कहा जा रहा है कि अब तक का सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है वो चीन को मिल रहा है इस हमले की वजह से। आगे जैक्सन ने देखिए क्या शेयर किया है नेतन्याहू को लेकर, इसराइल के प्रधानमंत्री को लेकर। ये भी मैं आपको बता दूं कि इसराइल के प्रधानमंत्री भी इस वक्त काफ़ी चर्चा का विषय बने हुए हैं। हर तरफ उनकी चर्चा हो रही है, जिस तरीके के फैसले ले रहे हैं उस फैसले से दुनिया भर में उनका विरोध किया जा रहा है। इनफैक्ट इसराइल के खुद के नागरिक भी उनका विरोध कर रहे हैं, वो नहीं चाहते हैं कि ये युद्ध और ज़्यादा दिनों तक चले, क्योंकि लोगों के हालत बहुत ख़राब हो गई है दोस्तों इस युद्ध में। चाहे इसराइल के लोग, फिलिस्तीन के लोगों का तो हुआ ही है, लेकिन इसराइल के लोग भी इससे अछूते नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ से अटैक हो रहा है। अब तो चौतरफा अटैक हो रहा है, पहले भी हो रहा था, लेकिन अब और मुखरता के साथ सामने से फ्रंट वॉर जो है वो लड़ी जा रही है। देखिए, जैक्सन ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि ब्रेकिंग न्यूज़, एक इसराइली टैंक ने लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों पर गोलीबारी की, जिसमें वो बुरी तरीके से घायल हो गए हैं। ये भी खबर निकलकर सामने आई है। वहीं आगे आपको द सर्वाइवर पेज ने देखिए क्या शेयर किया है, कई वीडियो शेयर किए मुसाद के, जहां पर लेबनान के अंदर उनके जासूसों को पकड़कर पीटने की जो है तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि मुसाद के एजेंट को स्थानीय लोगों ने पकड़ा और लेबनान में गिरफ्तार करके उनकी पिटाई करनी शुरू कर दी है। तो ये तमाम खबरें जो है सोशल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया पेज से
शेयर करते हुए जानकारी साझा की। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके की बातें जो है अपनी जहाँ जैसे जो भी खबरें आ रही है वो शेयर की जा रही है। मेगा जियो पॉलिटिक्स जो है सोशल मीडिया अकाउंट, वहाँ से भी एक खबर, अहम खबर निकल कर सामने आ रही है। ये खबर है, कहा जा रहा है कि दक्षिण लेबनान के अंदर, जी हाँ दक्षिण लेबनान के अंदर जो अटैक किया जा रहा है उसका यूएन के अंदर ज़ोरदार तरीके से जो है विरोध जताया जा रहा है। यूएन के लोग इसकी कड़ी निंदा कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये जो हो रहा है वो पूरी तरीके से नहीं होना चाहिए। दक्षिण लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों पर इजरायली गोलीबारी के बाद इटली ने इजरायल पर युद्ध अपराध का आरोप लगा दिया है। जी हाँ, मेलोनी सरकार ने उन पर ये आरोप लगाया है कि ये युद्ध के अपराधी हैं जिसमें कई सैनिक बुरी तरीके से घायल हो गए हैं। तो एक एक जानकारी दोस्तों आपको बता रही हूँ जो इंटरनेशनल मीडिया के हवाले से आ रही है, जो इंडियन मीडिया के हवाले से आ रही है, इसीलिए पूरी जानकारी आपको यहीं मिलने वाली है। टिक कर बैठ जाइए, आपको हर अपडेट हर जानकारी हम लगातार दे रहे हैं, आगे भी देते रहेंगे कि क्या हो रहा है। अब देखिए एक और, जी हाँ एक और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी निकल कर सामने आ रही है, वो भी मैं आपको रूबरू कराना चाहूँगी। सोशल मीडिया एक्सपर्ट शेयर करते हुए कहा जा रहा है कि अभी जो है बड़ी उलटफेर हुई है गाज़ा में, जिस तरीके से हमला हो रहा है उसको लेकर, जी हाँ उसको लेकर चीन जो है वो सख्ती दिखा रहा है। चीन कह रहा है कि वो ये सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं करेगा, वो गाज़ा में हो रहे अत्याचार को लेकर मुखरता के साथ बोलने। कहा जा रहा है कि चीन ने घोषणा की है कि वो फिलिस्तीन को गाज़ा के पुनर्निर्माण में मदद करेगा। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि 80 साल पीछे जो है गाज़ा वेस्ट बैंक को धकेल दिया गया है, लेकिन अब चीन जो है मदद के लिए आगे आ गया है। चीन ने वैसे भी बहुत सारी मदद जो है कि पेशकश की है, चाहे वो ईरान हो या फिर फिलिस्तीन वॉर जब लास्ट ईयर चल रहा था और अभी भी चल रहा है, तो उनकी तरफ से तमाम वो जानकारी जो है और तमाम वो हर एक हथियार वो मुहैया किया जा रहा है। चीन इस पूरे लड़ाई में जो है सबसे आगे आकर मदद करने की जो पेशकश है वो की जा रही है। लेबनान में फिर एक और, जी हाँ एक और इजरायली स्पाई को जो है वो पकड़ लिया गया है। और आपको इस वक्त की और भी बहुत अहम जानकारी दे दूँ दोस्तों, करंट रिपोर्ट, जी हाँ करंट रिपोर्ट ने एक बहुत बड़ी जानकारी साझा की है और इस जानकारी को साझा करते हुए क्या कहा है मैं आपको बता दूँ। कहा जा रहा है करंट न्यूज़ के हवाले से कि इराक के प्रतिरोध समूह कतवाए हिजबुल्ला ने इसराइल और अमेरिका को चेतावनी दी है कि अगर ईरान पर हमला करने के लिए इराकी हवाई का इस्तेमाल किया तो समूह जो इराक का समूह है और इराक और सीरिया दोनों मिलकर अमेरिकी ठिकानों के खिलाफ ताबड़तोड़ तरीके से कार्रवाई करेगा और उसका जवाब भी देगा। अगर इराक के जो बेसिस है एयरबेस से हमला करने की कोशिश इसराइल करता है या अमेरिका उसका साथ देता है तो वो इसराइल के साथ साथ अमेरिका पर भी हमला करेगा। इराक ने ये चेतावनी अमेरिका को दे दी है कि भाई अपना देख लो, संभल जाओ, अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर हम आगे की कार्रवाई करेंगे। देखिए एक और यूज़र हैं, वो लिख रही हैं कि चौथे महंगे MQ-9 रेपर UAV को मार गिराया गया है। अमेरिका इन दिनों यमन की बढ़ती ताकत से बेहद चिंतित है। अमेरिका ने साफ कह दिया है कि यमन उनके हाथ में नहीं है, यमन उनके हाथ से निकल चुका है। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद दोस्तों।